इसमें ऐसा लगा दीजिए, ऐसा भरना है। ये धागा भर गया, ये डब्बी में लगाना है, तो वो भी दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। इसे आपको ऐसा इसमें डाल देना है, और ये जो कट देख रहे हो इसमें से धागा ऐसा घींच के इसको इसमें फंसाना है। ये फंस जाने के बाद में धागा ऑटोमेटिक थोड़ा आपको टाइट लगेगा। नीचे ये लगता है डब्बी, वो लगा के दिखाता हूँ आपको। इसके लिए ये मशीन को उठाना पड़ेगा, उठा के ये तेल रहता है, और ये इसका पंप है, ऑयल पंप, ये खींच के सारी जगह पे ऑयल पहुँचा देता है। तो इसका ये शटल है, उधर ही इसको लगाना है। तो इसका जो ये साइड है, ये अपनी तरफ रखना है, इसको ये ऐसा, मतलब ये जब गिरा रहेगा तभी अपने तरफ रखना है, बाद में कि ये देखिए ये ऐसा रहेगा। तो इसको ऐसा आवाज़ आया कट करके, मतलब ये फिट हो गया। इधर ही आपको लगाना, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये ऐसा है, ऐसा आपको पकड़ना है, और इसको ऐसा दबा देना, ये लग गया। तो बिठा देता हूँ, अभी देखिए इसमें धागा कैसे लगाना है। ये हो गया धागा, फर्स्ट इसमें लगाना है, दूसरी बार ऐसे लगाना है, फिर ये पकड़ के ये ऐसा, ये दोनों टेंशन के, ये दो पत्ती है उसके बीच में जाना चाहिए। इसके बाद में फिर ये इसमें फंसाया, इसमें लगाया, उसके बाद में ये छेद में डालना है, इधर लगाना है, उसके बाद में ये कट कर लो, और ये अपना लेफ्ट साइड से, ये साइड से नहीं, ये साइड से, लेफ्ट साइड से, वो साइड से इसमें इसे धागा डालना है। एक बार इसको घुमा के ऐसा निकाल लीजिए, ये निकल गया दोनों, कंप्लीट है। अभी आप सिलाई चलाइए, इसको ऐसा ऐसा सिलाई चलेगा। तो सीखने के लिए बस यही है, इसको ही आप बार बार रिवाइज कीजिए। इसको चलाने के लिए ये इसका एक्सीलेटर है, इसको जितना दबाओगे उतना चलेगा, धीरे धीरे चलाओगे कम चलेगा, पूरा दबाओगे चलेगा। इसका ये मोटर लगा हुआ इधर, ये देख रहे हो, ये इसका मोटर है, इसके नीचे रहता है, ये ऑयल टाकी है, इसमें ऑयल रहता है, इसमें 1 लीटर पौने लीटर तेल लगता है, और इसमें तेल वेल डालने का कोई टेंशन नहीं रहता है, एक बार इसमें डाल दो। आता है क्लच मोटर, जिसमें अगर बड़ा वाला मोटर रहता है, इससे भी बड़ा अगर रहता है तो इससे चलता है। ये बड़ा मोटर आता है इसमें, ये बहुत हैवी, इधर वोल्टेज की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए मैं ये नहीं चलाता हूँ, वो मोटर लगाया हूँ। बाद में इसमें ये फिट मोटर आता है, और इसका सिस्टम रड आया इसमें लगाया है, और ये है आपका ये अगर आप इसको ऐसा दबाओगे तो ये चलेगा, मतलब सिलाई चालू हो जाएगा फुल स्पीड में। और जैसे ही आप अगर इसको पीछे की तरफ दबाते हो तो इसमें ब्रेक लगता है, मतलब 1 से 2 टका आगे नहीं जाएगा, ऐसा ब्रेक लगता है। तो इसमें इसको ये क्लच मोटर बोलते हैं, ये हैवी वाला है, और वो जो मैं अभी चलाता हूँ वो नॉर्मल है, वो भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, दोनों सक्सेस है। बाद में कि सब सेम है, खाली मोटर अलग है, एक्सीलेटर का सिस्टम थोड़ा अलग है इसका, और ये इसका अलग है।
ये जो है इससे टाँका छोटा या बड़ा जो भी करना हो इससे होता है। इसमें 0 से लेकर 5 तक है, जितना लंबा या छोटा आपको टाँका रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। नॉर्मली ये 2.5 पे चलता है, 2.5 पे अच्छा सिलाई आता है। अगर आपको कच्चा सिलाई मारना है तो बड़ा बड़ा तो ये 5 नंबर पे इसको घुमा के ऐसे करना है, ये 5 नंबर पे, नहीं तो आप 2.5 पे चलाइए, मस्त सिलाई आता है। ये इसका टेंशन है, इसको टेंशन बोलते हैं, ये दाब का प्रेशर, इसको दाब बोलते हैं, ये दाब है। और ऐसा ही जानकारी मैं आपको देते ही रहूँगा, अभी तो ये मैं फर्स्ट वीडियो इसका बना रहा हूँ। आगे चल के मैं सूट, ब्लाउज, शर्ट, पैंट जो भी होता है सब कटिंग मैं आपको एक एक करके पीछे करना है। तो ये मैंने नहीं बताया था, ये सिलाई आगे पीछे करने का है, इससे सिलाई आगे पीछे पक्का करना हो तो ये ऐसा होता है। तो ये हो गया सिलाई आगे पीछे करने का और पक्का करने का, जो भी करना है आगे पीछे होता है सिलाई, इधर से मतलब आगे पीछे, वो हो गया। और इसका जो ये दाब उठा के आप कपड़ा डालोगे, ये इसको ये घुटने से ऐसा करोगे तो ये दाब उठता है ऐसे, ये उठा के इसमें कपड़ा डालिए और चलाइए। मशीन छोटी हो या बड़ी हो सबका फंक्शन तो एक जैसा रहता है, ये होता है थोड़ा किसका अलग जगह पे होता है, जैसे छोटी मशीन में ये टेंशन है वो इधर आता है, एक काली मुंडी आता है उसमें सामने ही रहता है, जैसा ये है तो ये इधर रहता है, ये इधर काली मुंडी में इधर रहता है, इसमें इधर है, ये तो इधर ही रहता है उसमें भी टाँका छोटा बड़ा करने का, तो सब कुछ सेम ही है, ये मशीन वो मशीन सेम ही है। इसमें थोड़ा क्या है सब कुछ ईजिली होता है, मतलब आराम से होता है, तो ऐसा है इसमें थोड़ा अच्छे से फंक्शन दिया है। बाद बाकी सबका सिस्टम एक ही है, वही डब्बी इसमें भी लगता है, वही डब्बी उसमें भी लगता है, ये खाली छोटी मशीन आता है उसमें थोड़ा जो सबसे छोटी हाथ से चलाने वाला उसमें उसका खाली थोड़ा फंक्शन अलग है। बाद बाकी ये जो काली मुंडी आती है ये इतना इतना वो रहता है इसका, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, उसमें इतना ही रहता है, काली मुंडी बोलते हैं उसको, तो उसका और इसका सब सेम फंक्शन है, सेम चलाने का सब कुछ सेम है। तो ऐसा नहीं कि ये बड़ी मुंडी इसका फंक्शन अलग रहेगा उसका अलग, ऐसा कुछ नहीं, खाली थोड़ा जगह का अलग है, ये थोड़ा नीचे दिया उसमें थोड़ा ऊपर रहता है, और सब कुछ सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है।